Hi everybody, this is me, Shaira Roy, and I'm Pakistan's first Miss France Beauty Queen 2021 and 2022 title winner. I'm really glad to be on the Queen. पाकिस्तान में ट्रांस होने का मतलब है घर से निकाल दिया जाना। पाकिस्तान में ट्रांस होने का मतलब है अपने हाथों से अपना फैमिली, अपने फ्रेंड्स का सर्कल, सबको खुद से दूर कर देना। इट्स मोस्ट बेसिकली ये एक ऐसी चीज है जिसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, चाहे जितने मर्जी प्रोग्रेसिव हो जाए, चाहे जितने मर्जी बड़े बन जाए, लेकिन ये चीज एक्सेप्ट नहीं हो सकती। पाकिस्तान में तो ऐसे ऐसे भी मैंने वाकया देखे हुए हैं कि मैं एक उबर में जा रही थी और जब उसको पता चला कि एक ट्रांस मेरे साथ पीछे बैठी हुई है तो उसने गाड़ी रोकी और उसने काफी गालियां वगैरह निकाली मुझे। ही वाज लाइक गेट द हेल आउट ऑफ माय कार, यू नो, योर दिस योर दैट फॉर नो रीजन। There was no reason why he picked me out of the car. I'm the same citizen. I'm the same human, you know, जिसको आप रोज लेकर जाते हो। मैं भी आपको bills pay कर रही हूँ, मैं भी अपना सब कर रही हूँ, तो मुझे इस तरह से क्यों किया गया मेरे साथ? The good part is after becoming Miss Trans Pakistan, after becoming the title holder, being a beauty queen, अभी इज्जत है, अभी वक्त बदला है, अभी respect है। जब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज बढ़ने लगी, पता चलने लगा, जाहिर होने लगा कि हाँ ये लड़की है, तो वो फिर मारते थे कि ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। तो मैं डरती थी, तो डर के मारे मैं उनके साथ खुलकर बताना चाहती थी पर बता नहीं पाती थी, यू नो। उनको लगता था कि अगर ये कर रही है तो ये गलत कर रही है, और मुझे लगता था मैं ये कर रही हूँ तो मैं ये सही कर रही हूँ। और उसके बाद फिर स्कूल में भी अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा बुली करते थे, बहुत बुली। हमारे यहाँ पर जैसे इंडिया में किन्नर अल्फाज है, तो यहाँ पर हमारे खुसरा अल्फाज है, खुसरा, हिजड़ा, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते थे, मीठा। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि ये गाली निकाल रहे हैं, ये मुझे चुभता था, और वो चुभता इतना बुरा था कि मैं रोती थी बैठकर काफ़ी देर तक। तो ऐसा बहुत दर्द वाला वक्त देखा हुआ है कि कोई ऐसा था नहीं जिससे बंदा बात कर सके, जिसको बता सके कि हाउ हार्ड द वर्ल्ड, द टाइम इज गोइंग ऑन मी, द वर्ल्ड इज नॉट नाइस टू मी। देयर वाज अ कजन ऑफ माइन हु यूज्ड टू कॉल मी व्हेन आई वाज अ 8-year kid, he used to call me and he's like ke aao main tumhe apne mobile mein game khilata hu, main tumhe apne mobile mein game khilata hu। main 8 saal ki bachchi thi aur wo mujhe bula kar jab ghar mein koi bhi nahi hota tha to he used to call me and he used to, you know, forcefully do all the sexual assault to me, sexual things to me। और मुझे लगता था, तब मुझे नहीं था पता कि ये सब चीजें क्या हैं, मुझे नहीं था पता। मैं इसको रोकती थी पर वो कहता था किसी को बताना मत, बताओगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें छत से धक्का दे दूंगा, या मैं तुम्हें चुड़ैल के पास छोड़ आऊंगा। क्योंकि बच्ची थी ना, पता नहीं था इन चीजों का, ये क्या कर रहा है, किस तरह से वो मेरी जिस्म को यूटिलाइज कर रहा है, किस तरह से वो मुझे अपनी हवस का निशाना बना रहा है। तो एक बार हुआ 11 साल की उम्र में एक और ने किया, वो भी फैमिली में था। In 2013, I jumped from the third floor of my school building. I was like, okay, let's finish this up. I'm done. Let's finish this up. अब बहुत हो गया। पर life कुछ सोच के बैठी हुई थी, शायद एक चांस मिलना था। जब मैंने मॉम डैड को बताया तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा है तुम बीमार हो, तुम खराब हो, हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, हम तुम्हें साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाते हैं। दे टुक मी टू डिफरेंट 5 साइकियाट्रिस्ट, बट नोबडी वाज एबल टू, यू नो, एक्सप्लेन द कंप्लीट सिचुएशन कि ये क्या है, क्योंकि किसी को समझ में नहीं। एक डॉक्टर ने मुझे कहा था कि ये जो है साइकोलॉजिकली लड़की है, आप इसका जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाएं, इसका जेंडर चेंज करवाएं, वरना इसकी जिंदगी डिजास्टर में बदल जाएगी। तो मेरे
डैड ने कहा था कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, डॉक्टर को उन्होंने कहा था कि तुम गलत हो, ये ऐसी नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा करती है टू बिकम अ गर्ल. तो ऐसा नहीं था. आई वाज लाइक कि मैं किसको बताऊं कि हाउ कैन समबडी, यू नो, ड्रामा कौन कर सकता है यार. एक एक लड़की की तरह आप जिंदगी मतलब कब तक जी सकते हो. मैं घर से निकाल दी गई थी, देयर वाज नो शेल्टर फॉर मी. आई वाज जस्ट रोमिंग हियर एंड देयर, लाइक ऑन सम टाइम दोस्त के घर पे रह लेना, कभी किसी स्टूडियो में रह लेना, कभी, क्योंकि आई एम अ सिंगर, मैं एक सिंगर टर्न्ड ब्यूटी क्वीन हूं. तो आई was, you know, going to miss different music directors के studio में, कोई छोटा कमरा होता था वहाँ पर मैं रहती थी. मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हुआ करते थे कि मैं पानी पी सकती. बेसिकली वो मेरा फ्रेंड है मेरे स्कूल का, और उसको मैंने अपना मुंह भोला भाई बना लिया है. His name is Abdul Ahad. He's from Saudi Arabia. Whenever I used to get shattered, whenever I used to get, you know, alone and depressed from the entire side of the life, मैं उसको कॉल करती थी और उसको कहती थी मुझे बताओ मैं क्या करूँ, तो मुझे बचाता था. वो ही था जिसने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प की. उसी ने शायरा मुझे नाम दिया, शायरा रॉय एक नाम दिया. उसने कहा कि तुम डिप्रेस क्यों हो अपनी जिंदगी से. मुझे याद पड़ता है कि 2019 में I was in love with a guy. मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, और उस लड़के ने मुझे just for the sake of, you know, फाइनेंशियल नीड इस्तेमाल करके छोड़ दिया. तो मैं बिल्कुल, यू नो, अपनी जिंदगी में आइसोलेट हो गई. 5-6 मंथ्स आई क्राइड फॉर हिम, एंड माय ब्रदर वाज लाइक, शायरा व्हाई यू आर लाइक दिस नाउ, तुम अच्छी दिखती हो, तुम खूबसूरत हो, तुम अच्छा गाना गाती हो, तुम मॉडलिंग स्टार्ट करो, तुम घर पे मत बैठो, घर पे मत कुछ करो, you know. And then he pushed me into this. तो मेरा भाई था जिसने मुझे कभी पैसे भेजता था, financially कभी वो help करता था, पर वो भी कितना कर सकता था, वो भी job करता था, उसकी भी certain limitations थी. शायरा को शायरा बनाने वाला ही वो है. चंडीगढ़ करियाज की वाज अ मूवी व्हिच गॉट रिलीज विद आयुष्मान खुराना, एंड इट वाज एन अमेजिंग स्टोरी, इट वाज एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट. आई वाज क्राइंग वाचिंग स्टोरी एंड आई वाज लाइक दिस इज मी, वाणी कपूर इज मी. बट द ओनली प्रॉब्लम व्हिच वाज देयर दैट शी हैव द ट्रांस पर्सन प्लेड बाय अ गर्ल, वाणी इन रियलिटी. अगर वो किसी ट्रांसजेंडर को रोल देते तो पूरी की पूरी, आई थिंक, एशिया की जो ट्रांस कम्युनिटी है उसको एम्पावरमेंट मिलती, कि हमें भी अपॉर्चुनिटी मिली है.